हूँ सरसों। सरसों का तेल जितना फायदेमंद है उतना ही फायदेमंद होता है सरसों के बीज हमारे बालों के लिए। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे सरसों का यूज करना शुरू कर दीजिए, जिसकी वजह से जो आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं अनाकारण और असमय अगर बाल सफ़ेद होने की अगर मैं बात करूं, तो आप सरसों के तेल को यूज़ करिए दोस्तों। नॉर्थ साइड में आप देखेंगे ज़्यादा करके सरसों का यूज़ किया जाता है, और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी नेचुरल तरीके से सरसों का यूज़ करके किस तरह से आप शैम्पू बना करके अपने बालों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सरसों का तेल हम सभी यूज़ करते हैं, बट सरसों का जो मैं आज आप लोगों को शैम्पू बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग है, और ये आप अपने बालों को लगा करके एक नेचुरल कंडीशनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ बालों में एक बहुत ही अच्छी जान भी आएगी। बाल आपके लंबे समय तक काले बने रहेंगे, घने बने रहेंगे, सरसों का यूज़ करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको लेना है यहाँ पर एक बड़े कटोरी सरसों, और इसे अच्छी तरह से भून करके आपको इसे पीस करके इसका एक महीन पाउडर बना करके रेडी कर लेना है। तो आप इसे भून लीजिए और इसका एक पाउडर बना करके रेडी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पे सरसों को अच्छी तरह से बारीक इस तरह से कर लिया है। तो जस्ट आपको यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच के तकरीबन सरसों को लेना है, और इस तरह से आपको पाउडर बना करके ले लेना है फ्रेंड्स। जब भी आप अपने बालों फ्रेंड्स यकीन मानिए ये इतनी अच्छी अमेजिंग रेमेडी है, जैसे आप अपने बालों को यू नो वॉश करने जाते हैं, शैम्पू तो आप डेली ही करते होंगे, बट सरसों का ये जो शैम्पू है ये बना करके आप अपने बालों पे लगाए, बिलीव मी फ्रेंड्स आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे, डे वन में ही आपको बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। बट आपको इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करना है जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और साथ ही साथ जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी आपकी रुक जाएगी, क्योंकि सरसों जो होता है ये रोकथाम करता है सफ़ेद बालों को आने से, और बालों को ये बहुत ही लंबे समय तक काले बनाए रखता है। तो सरसों को आप इस तरह से पीस लीजिएगा, और अब कुछ इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ज़रूर ऐड करिए जिससे कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, मीन्स एक तरह से वॉल्यूम की तरह काम करेगा, आपके बालों को बूस्टअप देगा, आपके बालों में ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन जान देगा, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो आपके लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक चम्मच बड़े चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पर जटामानसी का यूज़ करना है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ जटामानसी आप लगाना शुरू कर दीजिए, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, आपको कोई भी केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही लंबे टाइम तक आप अपने बालों को नेचुरल काला होते हुए देख सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जटामानसी का पाउडर मैंने यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, बिल्कुल आप इस तरह से जटामानसी ला करके बना करके पाउडर रख सकते हैं। अब आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं फ्रेंड्स उस शैम्पू को इसमें मिला दीजिए कुछ इस तरह से, और इसमें हल्का सा गुनगुना आपको पानी डालना है, इसमें हल्का गुनगुना हम इसमें पानी मिलाएंगे और इस पेस्ट को अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है आप कहेंगे आपके पहले क्यों नहीं किसी ने बताया, फ्रेंड्स ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, रेमेडी है जो कि आयुर्वेदिक है, और ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है उन लोगों के लिए जिनके बाल जो है वो कम उम्र में जैसे सफ़ेद होना शुरू हो गए ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे अगर चाहते हैं कि यू नो पार्लर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चे की पार्लर जाना चाहते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, और वो पार्लर में सोचते हैं कि अपने बालों को कलर करें और साथ ही साथ वॉश करें, तो दोस्तों आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत महंगे महंगे पैसे खर्च करने की, आप इस रेमेडी को यूज़ करिए, बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप शैम्पू प्रिपेयर कर लीजिए, और इसी को लगा करके कम से कम 10 मिनट अपने बालों पे छोड़ दीजिए, और 10 मिनट के बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हेयर स्पा जैसे आप बहुत सारे लोग क्या क्या स्पा में करते रहते हैं, यू नो केमिकल डालते हैं अपने बालों पर, वो डैमेज हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद, बट ये नेचुरल सा तरीका आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाएगा और एक स्पा जैसी आपको फीलिंग भी देगा।
आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेटनिंग हो जाए, स्ट्रेटनिंग अगर करवाते हो ना तो वो भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा शैम्पू रेडी हो चुका है। 10 मिनट लगाना है, बालों पे छोड़ना है, फिर बालों को धो लेना है। अलग से कोई शैम्पू आपको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से शैम्पू करेंगे तो आप अपने बालों को नेचुरली काला, घना, मोटा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देखेंगे और कुछ ही दिनों में आपके बाल बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें इस यूजफुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव ग्रेट डे एंड लव यू ऑल।